हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हम आपको आज लड्डू गोपाल की टोपी बना करके बताएंगे। टोपी बनाने के लिए देखिए दो कलर लिए हैं और ये 11 नंबर सिलाई ली है। और ये हम जो आपको टोपी बताने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये टोपी बना करके बताऊंगी। और ये टोपी मैं आपको 8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए टोपी बना करके बताऊंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं टोपी हमारी कैसी लगी आपको। तो चलिए मैं आपको ये शुरू से ही बताऊंगी किस तरह से हमने टोपी को बनाना है। सबसे पहले हम येलो कलर से फंदे डालेंगे और फंदे आपने जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से डाल लें। ये देखिए मैं दुल्हा ऊन से फंदे डालूंगी। ये देखिए इस तरह से सबसे पहले हमने इस तरह से नॉट लगा लेनी है, देखिए। और हमने फंदे इस तरह से डालेंगे, दूसरा फंदा हम इस तरह से डालेंगे। आप जैसा मर्जी चाहे इसमें फंदे डाल लें। और ये हम 20 फंदे डालेंगे इसी तरह। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए इसी तरह हम 20 फंदे डाल लेते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड, 4 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं, ये 1 2 3 4। अब ये देखिए यहाँ से हम इसको सीधा बनाएंगे इस तरह से। पहला फंदा हमने उतार लिया है, यहाँ हम हर फंदे में से फंदा बढ़ाएंगे, देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और आप अगर आपको इस तरह से भी आप बढ़ा सकती हैं। देखिए पहला फंदा हमने इस तरह से बनाया और दूसरा पीछे की तरफ से इस तरह से। हर फंदे में से फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से मैं पहला फंदा इस तरह बनाया और ये इस तरह से सिलाई में पीछे की तरफ से फंदा हमने बढ़ा लिया। ये देखिए इस तरह से। अठारह फंदों में से हम इसी तरह 18 फंदे बढ़ा लेंगे, दो फंदे साइड के छोड़ते हुए। पहला फंदा हमने इसी तरह बनाया है और लास्ट का भी हम ये वाला फंदा कि फ्रेंड्स मैंने बढ़ा लिए हैं सीधी सिलाई पे। उल्टी सिलाई हम सारी इस तरह से उल्टी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए उल्टी सिलाई कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको।
ये फ्रेंड्स हमने उल्टी सिलाई भी बना ली है। इसके बाद देखिए एक सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, चार सिलाइयाँ उल्टी बनाने के बाद में। अब ये हम चार सिलाइयाँ इसी तरह बना लेंगे, यानी कि दोनों तरफ से आठ सिलाइयाँ। ये देखिए इस तरह से, ये फ्रेंड्स हमने उल्टी सिलाई भी बना ली है। इसके बाद देखिए एक सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, चार सिलाइयाँ उल्टी बनाने के बाद में। अब ये हम चार सिलाइयाँ इसी तरह बना लेंगे, यानी कि दोनों तरफ से आठ सिलाइयाँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैं चार सिलाइयाँ इसी तरह बनाऊंगी। ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ। तो चलिए हम ये चार सिलाइयाँ इसी तरह कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स हमने फंदा बढ़ाने के बाद में चार सिलाइयाँ ये बना ली हैं। अब यहाँ से हम देखिए इसमें वाइट कलर लगा देते हैं, और वाइट कलर हमने किस तरह से लगाना है देखिए। यहाँ पे एक नॉट लगा लेते हैं, ये देखिए किस तरह से। अब देखिए मुझे यहाँ पे जाली डालनी है, धागा हम अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे का एक करते हुए जाएंगे इस तरह से, और जाली देखिए इस तरह से डालते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से जाली भी डल रही है हमारी, और हमारा साथ में जिस तरह से फंदा कम हो रहा है उसी तरह फंदा बढ़ रहा है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए धागा अपनी तरफ, दो फंदे का दो फंदा। ये देखिए जाली बनाते हुए दो फंदे वापस आ जाते हैं, दो फंदे कम होते हैं इस तरह से। ये देखिए वाइट कलर बीच में डाल दिया है। अगर आप नहीं लगाना चाहती हैं कलर दूसरा, एक ही कलर में बनाना चाहती हैं, तो इसी तरह एक कलर से इसी तरह बनाएं। ये देखिए अब उल्टी सिलाई हम वाइट कलर की बनाएंगे इसी तरह। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हम इसी तरह बना लेंगे। तो चलिए ये पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं इसी तरह। ये देखिए कि फ्रेंड्स हमने एक सिलाई वाइट की डाल दी है इस तरह से। अब हमने येलो से ही चार सिलाइयाँ ऊपर को इसी तरह बनानी है। ये देखिए
जिस तरह से हमने नीचे ये बनाई हुई हैं चार सलाइयाँ, उसी तरह हमने चार सलाइयाँ ऊपर को बनानी है। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए हम ये इस तरह की टोपी हमने अपने चैनल में डाली हुई भी है। आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। चलिए चार सिलाइयाँ कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये फ्रेंड्स हमने चार सिलाइयाँ नीचे बनाई थी ये, और चार ही सिलाइयाँ मैंने ऊपर बना दी हैं ये, और बीच में वाइट में वाइट की एक ही सिलाई बनाई है। ये देखिए इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। अब हम इसमें फंदे घटाने कम करेंगे। तो देखिए किस तरह से पांच फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये देखिए पांच फंदे मैंने सीधे बनाए। पांच फंदे सीधे बना के ये जिस तरह से हम गले स्वेटर की गले की फरी बनाते हैं उस तरह से फंदे घटाने हैं। ये देखिए इस तरह से पीछे की तरफ से। ये देखिए फिर से हमने छह फंदे बना लेंगे हम। ये देखिए और हम यहाँ पे फिर से इसी तरह फंदा, ये देखिए पीछे की तरफ से आगे वाला फंदा ले लेंगे और बीच वाला फंदा इस तरह से सिलाई में डालेंगे और ये पीछे की तरफ से इस तरह से इसको बंद करेंगे। ये देखिए फिर से हम छह फंदे बनाएंगे। ये देखिए फिर से हम उसी तरह फंदा घटाएंगे। ये देखिए इस तरह से और पीछे की तरफ से। ये देखिए इस तरह से। और उल्टी सिलाई हम सारी उल्टी ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से अब हमारे ऊपर को फंदे बंद कम होते हुए आएंगे। उल्टी सिलाई हम सारी उल्टी ही बनाएंगे और हर सिलाई पे हमने फंदा इसी तरह घटाना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये लड्डू गोपाल की टोपी इसी तरह बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए हर सिलाई पे हम इसी तरह फंदा अब कम करते हुए आएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए पीछे की तरफ से हम इसको बंद करेंगे। तो चलिए इसी तरह हम और चार सिलाइयाँ इसी तरह ऊपर को बनाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको। ये देखिए एक इधर वाला फंदा और एक इधर वाला और बीच वाला फंदे पे घटाना है। इस
तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सिल लिया है पूरा, ये देखिए। और अब हम किस तरह से सिलाई करेंगे ये देखिए। ये देखिए, जहाँ से मैंने फंदे को बढ़ाया है और जहाँ से मैंने घटाया है, उस तरह से मुझे ये देखिए सिलाई करनी है। ये देखिए किस तरह से एक फंदा इसमें से लिया और एक फंदा हम जहाँ से हमने फंदा कम किया है वहाँ से लेना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ मैं इसी तरह सिलाई करूंगी इसकी। ये देखिए और चारों तरफ की हम इसी तरह सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैं चारों तरफ की इसी तरह सिलाई करूंगी। ये देखिए, तो चलिए चारों तरफ की इसी तरह। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सिल लिया है पूरा, ये देखिए। और अब हम किस तरह से सिलाई करेंगे ये देखिए। ये देखिए, जहाँ से मैंने फंदे को बढ़ाया है और जहाँ से मैंने घटाया है, उस तरह से मुझे ये देखिए सिलाई करनी है। ये देखिए किस तरह से एक फंदा इसमें से लिया और एक फंदा हम जहाँ से हमने फंदा कम किया है वहाँ से लेना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ मैं इसी तरह सिलाई करूंगी इसकी। ये देखिए, और चारों तरफ की हम इसी तरह सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैं चारों तरफ की इसी तरह सिलाई करूंगी। ये देखिए, तो चलिए चारों तरफ की इसी तरह यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, पूरा ये सिल चुका है और हमने यहाँ पे ये नॉट लगा दी है। इसको हम यहाँ से ही कट कर लेंगे धागे को। ये देखिए इस तरह से
उल्टी तरफ से हमने सिलाई करी है। अब ये देखिए हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए मैंने आपको ये बहुत ही आसान तरीके से बताई है टोपी। ये देखिए इस तरह से ये बनके कंप्लीट है। ये देखिए ये देखिए इस तरह से, और देखिए बहुत ही खुली है ये। ये देखिए ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है टोपी। ये देखिए लड्डू गोपाल के एकदम अच्छे से आ जाएगी। ये देखिए ये देखिए इस तरह से। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये मेरे लड्डू गोपाल की टोपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।